स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। आज हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के परीक्षा प्रश्न पत्र 2015 को लेकर के। इसमें सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे आप बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन है देश में संविधान लागू किया गया। इसमें का पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 में, दूसरा है 26 जनवरी 1950 में, तीसरा है 15 अगस्त 1950 में और चौथा है 15 अगस्त 1947 में। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है। इसमें का पहला है ऑप्शन आपका धारा 45, दूसरा ऑप्शन है धारा 25, तीसरा ऑप्शन है धारा 28 और चौथा आपका ऑप्शन है धारा 46। फिर है आपका तीसरा बहुविकल्पी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश का प्रारंभ हुआ था। इसमें का पहला ऑप्शन है 1613 में, दूसरा ऑप्शन है 1618 में, तीसरा ऑप्शन है 1609 में और चौथा है 1600। ठीक है, फिर है चौथा आपका ऑब्जेक्टिव, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया। इसमें का पहला ऑप्शन है 1852 में, दूसरा है 1853 में, तीसरा है 1842 में और चौथा है 1854 में। फिर है पांचवा ऑब्जेक्टिव आपका, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। इसमें का पहला ऑप्शन है 1937 से 38 में, फिर है दूसरा है 1857 से 58 में, तीसरा है आपका 1964 से 66 में और चौथा है आपका 1952 से 53 में। फिर है छठा ऑब्जेक्टिव आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। इसमें का पहला ऑप्शन है 10+2+4 में, दूसरा है ऑप्शन 10+2+3 में, तीसरा ऑप्शन है 10+2+2 में और चौथा है आपका 10+2+1 में। फिर है आपका सातवां ऑब्जेक्टिव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु तो कौन सी योजना लागू है। इसमें का पहला ऑप्शन है सर्वोदय विद्यालय, दूसरा है व्यवहारिक शिक्षा, तीसरा है साक्षरता कार्यक्रम और चौथा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑब्जेक्टिव 8 देखेंगे, स्कूल चलो अभियान अंग है। पहला है ऑप्शन साक्षरता का, दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान का, तीसरा है मुक्त विद्यालय शिक्षा का और चौथा है निरक्षरता का। ठीक है, नवा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। इसमें का पहला ऑप्शन है कक्षा के सभी बोर्ड काले रंग के होना, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में ब्लैक बोर्ड को साफ करना, तीसरा है प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना और चौथा है सभी कक्षाओं को ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना। ऑब्जेक्टिव 10 है आपका, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ हुई। इसमें का पहला ऑप्शन है 1990 से 91 में, दूसरा है 1995 से 96 में, तीसरा है 1997 से 98 और चौथा है 1999 से 2000 में। फिर है ऑब्जेक्टिव 11 आपका, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है। पहला प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा है उच्च शिक्षा से, तीसरा है प्राथमिक बालिका शिक्षा से और चौथा है माध्यमिक शिक्षा से। फिर आपका 12वां ऑब्जेक्टिव है प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। इसमें का पहला ऑप्शन है 1990 में, दूसरा है सन 1991 में, तीसरा है सन 1992 में और चौथा है सन 1993 में। ऑब्जेक्टिव 13 है आपका, सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है। इसमें का पहला ऑप्शन है 4 से 9 वर्ष, दूसरा है 4 से 11 वर्ष, तीसरा है 6 से 13 वर्ष और चौथा है 6 से 14 वर्ष। फिर है ऑब्जेक्टिव आपका 14, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह किसका मत है। इसमें का पहला ऑप्शन है मैकाले का, दूसरा है आर्थर मैथ्यू का और तीसरा है फ्रांसिसिक बर्डिन का और चौथा है मिशनरियों का। क्वेश्चन नंबर 15 ऑब्जेक्टिव है आपका, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है। इसमें का पहला है आपका ऑप्शन एक पढ़ाए एक, दूसरा है आपका एक पढ़ाए दो, तीसरा है दो पढ़ाए एक और चौथा है आपका सब पढ़ाए सब। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर बात। आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें का पहला यानी 16वां है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैकालो द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा में छनाई या निस्यंदर सिद्धांत से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था।
क्वेश्चन नंबर 24 है, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 26 है, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 27 है, NPEGEL कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, EPEP परियोजना के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर हो गए आपके अति लघु प्रश्नों को लेकर बात। आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें का पहला यानी 31 है, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। 32 क्वेश्चन है, बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वर्णन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, मिशनरी स्कूलों की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय शिक्षा में मैकाले को योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, वुड घोषणा पत्र के दोष लिखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम यानी SOPT का प्रारंभ हुआ, इसके किन्हीं दो उद्देश्यों का विस्तार कीजिए। तो यहाँ पर बात हो गई आपके क्वेश्चन पेपर 2015 को लेकर के। इसके नेक्स्ट वीडियो में परीक्षा प्रश्न पर 2016 का बताया जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल study.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।